औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन 1 किलो। ये मायनीज है, ये क्रीम है, काली मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, दखनी मिर्च पाउडर है, नमक है और ये हरी मिर्च का पेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्ट पानी रही, अब हम मैरिनेटिंग कर रहे हैं इसकी। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ये है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जो मैं डाल रही हूँ। ये 1 kg बोनलेस बोटियाँ हैं, इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1 tablespoon डाला है, दखनी मिर्च डाला है 1 tablespoon, 1 नहीं बल्कि 1/2 tablespoon डालेंगे, 1/2 tablespoon या टीस्पून कर लें। काली मिर्च पाउडर है वो 1 teaspoon है, और गरम मसाला पाउडर है ये भी 1/2 teaspoon है। और हम डाल रहे हैं इसमें ये हरी मिर्च पेस्ट है, ये तकरीबन जाएगा 2 teaspoon। अच्छा, इसमें जाएगी क्रीम, जाएगी तकरीबन 4 चमचे, 1, 2, 3, 4 चमचे मैंने क्रीम डाल दी है, और 2 चमचे या 2 tablespoon भर के मायनीज डाल रही हूँ इसमें। अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने सारी स्टिक्स लगा ली हैं, इनको मैरिनेट करके रखा पहले 15-20 मिनट। उसके बाद हमने सारी इस तरीके से 4-4 बोटियाँ, किसी में 5 आई हैं, किसी में 4 आई हैं, हमने इस तरीके से सारी लगा ली हैं। अब इनको हम बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। जा रहे हैं इनको फ्राई करने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्की आँच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद जो है ना हम इनकी एक तरफ से ये पक जाएंगी हल्की आंच पे बिल्कुल, फिर इनको दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखें हमारी स्टिक तैयार हो गई हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन या वो नहीं करना क्योंकि इसमें बलाई डली हुई है, क्रीम हमारी मायनीज डली हुई है, तो इनका कलर इसी तरह आएगा। और आप चाहें तो ज़्यादा ज़्यादा भी कर सकते हैं इनको, मैंने बस लाइट ब्राउन किया है। देखें बोटियाँ हमारी तैयार हैं, चिकन मलाई बोटी हमने बनाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स करें। और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।